गाइज़, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ज़रूर अच्छे होंगे। तो वहाँ तक का मेरा ब्लॉग था, और वो ये है इसके आगे का ब्लॉग जो मैं गई थी यासिर को लाने के लिए। तो अभी स्कूल से आ गई हूँ लेकर के, तो अभी यासिर से मिलाते हैं आप लोगों को। वो लेकर आया जूस पिया है अभी। तो और कुछ सामान मुझे लेना था तो मैं गई थी, तो वहीं पर बाज़ार भी है तो ले करके आई हूँ, दिखाते हैं आप लोगों को अभी। तो मिलते हैं आगे। तो अभी हम स्कूल से आ गए और हम पी रहे जूस। मुँह पे जूस लगा हुआ है, जूस। ये देखिए, ऑरेंज जूस। हाँ, ये क्या लेके आया? जूस ऑरेंज का, मैंगो का जूस है, वही पी रहा है अभी। आके पहले ये पी रहा है, थोड़ी देर बाद खाना खाओगे। ऑरेंज जूस है मम्मी, ऑरेंज नहीं है, आम वाला है, मैंगो का है। और अभी खाना खाएगा, अभी तो स्कूल से आया है, ड्रेस व्रेस चेंज कर लिया है। बहुत गर्म लग रहा है, स्कूल से भी आया है। स्वेटर दिन में है ना, स्वेटर गर्म लगने लगता है, तो सुबह के लिए पहनाना पड़ता है। हाँ, पी लिया ना, ठीक है। तो एनर्जी मिल रहा है मुझे जूस। हाँ, अब थोड़ी देर में खाना खा लेना, अभी तो 12 बज रहा है, थोड़ी देर में खा लेना। और ट्यूशन जाता है ना, तो फिर इसको तकलीफ हो जाता है खाना वाना खाने में, क्योंकि अभी ट्यूशन पढ़ा नहीं रही है मैम, इसकी गई हुई है। कहाँ गई है बताओ, घूमने कहाँ गई है? नहीं पता नहीं, अभी कहीं गई है, छुट्टी पे है इसकी मैम जो है ट्यूशन वाली, तो इसलिए अभी घर आ जा रहा है डायरेक्ट स्कूल से। तो अभी इसको थोड़ा खाना वाना इसलिए खा लेता है, नहीं तो ट्यूशन जाता है ना तो फिर लेट हो जाता है, इसको 1 बज जाता है आते आते, है ना, देर हो जाता है। तो अभी आ गया, अभी तो थोड़ी देर में इसको खाना खिला देंगे। तो यहाँ पर मैं सामान जो है मुझे लेना था कुछ, तो यासिर को जब स्कूल लाने गए थे ना, तो वहीं पे बाज़ार है, तो वहाँ से मैंने कुछ सामान लिया है जो लेना था। तो जैसे कि टूथपेस्ट ख़त्म हो गया था तो वो लेना था, और मूढ़ी लेकर के आए हैं। तो मूढ़ी जो है ना, झाल मूढ़ी बनाने के लिए लाए हैं, तो जब बनाएंगे तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो मूढ़ी लेकर आए हैं, और ये है वॉशिंग पाउडर, कपड़े धोने का जो होता है वॉशिंग पाउडर वो है। तो वैसे ये सब ख़त्म हो गया था, तो रास्ते में है ना, जाने से यही होता है कि जो सामान भी होता है खुद से ले लेते हैं। ऐसे तो यासिर के पापा लेकर आते ही हैं, लेकिन फिर भी जो भी बीच में ज़रूरत पड़ता है ना, तो अगर हम स्कूल अभी जाते हैं ना तो यासिर को लेने तो लेकर चले आते हैं। इस तरह से आम काम भी आसान हो जाता है मेरे लिए। शाम का टाइम हो गया, बज रहा है 5:15, 5:30 बजने वाला है, 5:20। तो अभी बनाते हैं यहाँ पर चाय, तो चलते हैं चाय बनाने के लिए। और यासिर पढ़ाई कर रहा है वहाँ पे, चाय के लिए जो है मैंने पानी रख दिया है, और हो गया है ये गरम, तो इसमें अभी पत्ती डालते हैं। शाम का चाय बन रहा है, और यासिर कर रहा है वहाँ पे पढ़ाई, उसका जो होमवर्क मिला है स्कूल से वो कर रहा है। वहाँ पर चाय भी मेरा हो गया है, उबाल आ गया, अब इसमें दूध डाल देते हैं। और सुबह मतलब दिन का मैंने और व्लॉग नहीं बनाया था, तो यासिर को जो स्कूल से ला करके उसके बाद जो है मैंने उसको खाना वाना खिला दिया था। उसके बाद थोड़ा सुबह में उठते हैं ना तो नींद आता है दिन में थोड़ा, तो खाना वाना खा के हम लोगों ने थोड़ा सा आराम किया था। यासिर को तो बोलते हैं वो नहीं सुनता है, वो तो नहीं लेटता है, थोड़ा बस सोता नहीं है। तो थोड़ी देर मैं थोड़ा सा मतलब ज़्यादा देर नहीं, एक घंटा आराम किया, उसके बाद उठे हैं, नमाज़ पढ़े हैं असर का, उसके बाद आए हैं। अभी मगरिब का अज़ान होगा थोड़ी देर में 6 बजे तक, तो तब तक सोचते हैं चलो अभी चाय पी लेते हैं। तो शाम का चाय अभी रख दिया है, क्योंकि यासिर को भूख लग जाता है, आता है ना खाना खाता है, इतना बदमाश है, खाना भी ठीक से नहीं खाया है, थोड़ा ही सा खाया है, छोड़ दिया था। तो अभी इसको चाय देंगे, थोड़ा चाय मतलब पीता नहीं है, और वो बूस्ट बनाकर बॉर्नविटा देते हैं कुछ भी दूध में, वो भी नहीं पी रहा है, अभी बदमाशी कर रहा है। तो वहाँ भी इसको थोड़ा बिस्किट देंगे, शाम का नाश्ता वास्ता कुछ करेगा, बिस्किट खाएगा, कुछ भी है स्नैक्स वो खाएगा। तो देखिए चाय भी जो यहाँ पे हो गया है रेडी, अभी चलते हैं। अभी चाय लेकर के आ गए हैं, और बिस्किट निकाला है, तो बिस्किट अभी वो खाएगा, और डब्बा में डालना भी है, तो यहाँ पर निकाल कर रखा है बिस्किट, तो वो खाएगा चाय से, अभी देखते हैं खाएगा थोड़ा बहुत। और हम लोग भी चाय पीते हैं, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से, चाय पी के मिलते हैं, और फिर उसको होमवर्क भी करना, अभी तो कलर कर रहा था, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से।
यासिर को होमवर्क मतलब क्लास वर्क करवाया था और मैं यहाँ पे उसी को करवा रही हूँ, याद करेगा वो तो अभी कर रहा है, कॉपी में लिख रहा है वो, तो अभी उसका पढ़ाई का टाइम है, शाम का टाइम में इस टाइम में पढ़ता है, तो तुम लिखो ना, तुम लिखो, तो अभी इसको करा रहे हैं, यहाँ पे लिख रहा है वो, भाग गया है। तो अभी हो गया है नेक्स्ट डे, सुबह का टाइम है, तो कल मैंने और व्लॉग नहीं किया था रात में, तो यहाँ पे अभी दूध चढ़ाया मैंने, सुबह का टाइम हो गया है 6:15 हो रहा है और यहाँ पे मैं चढ़ाई हूँ दूध चाय बनाने के लिए, और यासिर को अभी उठा दिया है, तो वो उठ करके ब्रश व्रश किया है, उसके बाद फिर से सो गया है, तो यहाँ पे मैंने उस तरफ में पानी चढ़ा दिया है बॉयल होने के लिए पीने के लिए, और यहाँ पे दूध चढ़ाया है, तो अब यासिर को फिर से जाकर उठाएंगे क्योंकि उसको ब्रश करा दिया है और वो फिर से सो गया है, तो उसको उठाएंगे, अभी नाश्ता वास्ता उसको कराना है, तो नाश्ता तो कुछ करने भी नहीं मांगता है, अच्छे से खाता नहीं है, तो वही ब्रेड और जैम खाता है, वही उसको अभी देंगे, तो अभी जाकर फिर उसको उठाते हैं, देखते हैं उठता है या नहीं, देखते हैं, चलते हैं उठाने उसको। तो देख सकते हैं ना यासिर अभी सो रहा है, तो इसको ब्रश व्रश सब करवा दिया, फिर से सो गया, तो इसको अभी उठाते हैं, यासिर उठ जाओ, उठ जाओ यासिर, तो अभी फिर से उसको उठाना पड़ेगा, उसके लिए ड्रेस व्रेस निकाल करके रखा है, पहले उसको ड्रेस नाश्ता का पहले तैयारी कर देंगे उसके लिए, तो देखिए उठता नहीं है वो, तो अभी सो रहा है, तो यासिर उठ जाओ यासिर, चलो नाश्ता कर लोगे, उठ जाओ जल्दी उठो। तो यासिर को उठाया है, देखिए अभी उठता है नहीं वो, तो यहाँ पे मैं पानी गर्म लेकर आई हूँ पीने के लिए, मैं पीऊँगी क्योंकि पानी पीने से ठीक रहता है गर्म सुबह सुबह, तो वो लेकर आए हैं और यासिर को उठा रहे हैं, वो उठ भी नहीं रहा है, अभी उसको फिर से उठाना होगा, तो उसको पहले नाश्ता कराएंगे, उसके बाद उसको ड्रेस व्रेस पहना देंगे, रेडी कर देंगे उसको, बहुत बदमाशी करता, उठने नहीं मांगता है सुबह में, ऐसे भी बच्चा लोगों को नहीं होता है। यासिर अभी यासिर हो गया है रेडी स्कूल जाने के लिए, तो नाश्ता वास्ता इसको करा दिया है और ड्रेस भी पहना दिया है, यूनिफॉर्म पहन लिया है, अब रेडी है यासिर। यासिर को याद भी हो गया, याद करना था तो, है ना यासिर, आज लिखाएगी तो लिख लोगे अच्छे से, ठीक है। अब यासिर जाएगा स्कूल और मेरा काम होगा स्टार्ट, घर का जो है नॉर्मली जो काम होता है मेरा, है ना, बाय बाय यासिर, यासिर जा रहा है अब, बाय यासिर, बाय। यासिर चला गया स्कूल, बंद कर देते हैं। यहाँ पे जो अभी नाश्ता का तैयारी चल रहा है, यासिर चले गया स्कूल, देखा आप लोगों ने, तो मेरा जो है काम हो गया स्टार्ट, नाश्ता का पहले तैयारी करते हैं, इसके बाद यासिर के पापा आएंगे तो सब्जी भी वो लेकर के आएंगे, तो जैसे कि जानते हैं आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही होगा कि यासिर के पापा जब स्कूल जाते हैं ना लेकर यासिर को, तो साथ में सब्जी भी लेकर आते हैं वैसे ही, तो पहले नाश्ता का तैयारी करते हैं, और दाल चावल जो है मैंने धो करके रख लिया है, तो जो नाश्ता हो जाएगा यहाँ पे, इसके बाद दाल चावल दोनों तरफ चढ़ा देंगे, तो चाय का पानी भी मैंने यहाँ पे रख दिया है चाय के लिए, तो अभी हम लोग ज़्यादातर देख सकते हैं कि अभी ब्रेड ही खा रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा पहले मैंने ब्लॉग में दिखाया है कि ज़्यादातर मैं जो है खाती थी ये क्या बोलते हैं घर का रोटी जो होता है वो, तो अभी जो है ना क्या हुआ था ना कि आटा कल ख़त्म हो गया था और मुझे याद भी नहीं था, भूल गए थे, यासिर के पापा को बोला नहीं मैंने तो भूल गए बोलने के लिए, इतना काम रहता है याद नहीं रहता है, और इंसान है तो गलती होती ही है, तो इस वजह से कल रोटी नहीं बन पाया था, तो सुबह में भी आटा था नहीं, तो रोटी कल आया था बाहर से, तो इस वजह से तो अभी ब्रेड ही खाना पड़ रहा है, तो आज ब्रेड ही खाएंगे नाश्ता में, यासिर के पापा के लिए अंडा फ्राई करेंगे एग, और ज़ारा के लिए करेंगे फ्राई, पहले रोटी ब्रेड सेक लेते हैं, ये मैं खाऊंगी सेका हुआ ब्रेड, यासिर के पापा सेक कर नहीं खाते हैं, उनके लिए ऐसे ही खाएंगे वो, तो अभी वहाँ पे चाय भी हो गया है, तो पहले ये सब कर लेते हैं, उसके बाद जो है खाना का तैयारी शुरू होगा, देखते हैं क्या लाते हैं यासिर के पापा, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से, पहले ये नाश्ता का तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे अंडा जो है फ्राई कर लिया मैंने यासिर के पापा और ज़ारा के लिए,
अब मैंने इसमें चावल चढ़ा दिया है और यहाँ तक का मेरा आज का छोटा सा व्लॉग है तो यहाँ तक मैंने रखा है। इससे आगे का व्लॉग आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा कि यासिर के पापा ने क्या लाया है सब्ज़ी जो वो लाएंगे। तो इससे आगे का व्लॉग आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।